हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज वो घड़ी, वो टाइम आ गया जिसमें कि मुझे जो है, जो करंट अफेयर एंड जीके क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था उसके विनर का नाम अनाउंस करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने इस क्विज कॉन्टेस्ट को बिल्कुल फेयर तरीके से किया है और आपने देखा भी होगा जितने भी लोगों ने इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था कि मैंने उसमें नीचे की लीडर बोर्ड लगा रखा था कि जो भी बंदा या जो भी पर्सन जो है क्विज को खेले वो लीडर बोर्ड में अपने मार्क्स को जरूर शो करे। तो मैंने बिल्कुल फेयर तरीके से इस क्विज कॉन्टेस्ट को रखा था और विनर आप सबको भी पता है। आप लोग जो लोग खेले हैं क्विज कॉन्टेस्ट को, उन लोगों ने देखा होगा कि टॉप रैंक में जो बंदा चल रहा था या जो भी है वो कौन चल रहा है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैंने इस क्विज कॉन्टेस्ट को रखा था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लीडर बोर्ड अगर लगाया है वो इसीलिए लगाया था कि जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपकी नॉलेज और स्किल जो है करंट अफेयर के केस में कहां तक है। तो लगभग 100-110 के आसपास कैंडिडेट ने जो है इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमने लीडर बोर्ड पे जो है टॉप 30 तक का ही शो करने का ऑप्शन उसमें दिया हुआ था कि जो टॉप 30 रहेंगे से उसी ऑप्शन को वो शो करेगा लीडर बोर्ड में। तो शो का तो हम नहीं दिखा सकते थे, तो मैंने इसमें टॉप 30 का रखा हुआ था कि जो टॉप 30 में आते रहेंगे तो उनका जो है उसमें वो स्कोर टॉप 30 के अंदर रहेगा और जिसका हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो ऊपर रहेगा टॉप पे। तो आई थिंक 30 के आसपास जो है वो तो लीडर बोर्ड पे शो कर रहा है, लेकिन मैंने देखा था कि कम से कम जो है 30-40% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है लीडर बोर्ड पे शो ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट को खेला जरूर। तो किसी के 0 नंबर आ रहे हैं, किसी का 1 नंबर आ रहा है, किसी के 2 नंबर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है लीडर बोर्ड पे नहीं डाला था अपने मार्क्स को, लेकिन मेरे पास जो है उसकी डिटेल सारी आ गई थी। तो आप ये देखिए कि अगर आप के मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उसमें मेहनत कीजिए कि ठीक है भाई, हमको पता लग रहा है कि ये एरर है, ये कमियां हैं हमारी, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो लीडर बोर्ड पे शो करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है लीडर बोर्ड पे शो नहीं किया, बहुत कम मार्क्स होने की वजह से 0, 1, 2 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, तो उन लोगों ने जो है लीडर बोर्ड पे शो नहीं किया था। तो इस तरीके से जो है नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, ये हर पर्सन का जो है अपना निजी वो है कि निजी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लीडर बोर्ड पे शो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज वो समय आ गया कि जिस समय जिसमें कि मुझे जो है विनर को अनाउंस करना है और विनर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो है आपके सामने है। अब लीडर बोर्ड पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि टॉप रैंक में कौन चल रहा है। पहले तो मेरे ख्याल से उसमें 19 का चल रहा था, तो उसमें 2 पर्सन का 19-19 स्कोर था, तो मुझे लगा कि शायद लक्की ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट डे पे जो है किसी और पर्सन ने जो है इसमें खेला है, आर के शबनम फ्रॉम चंडीगढ़। तो आर के शबनम है, चंडीगढ़ से है, जिन्होंने जो है 20 out of 20 मार्क्स जो है
गेन किए हैं, तो वो विनर हैं इस क्विज कॉन्टेस्ट की। तो उनसे जो है हमने कुछ डिटेल तो ले ली है और कुछ डिटेल उनसे लेना बाकी है। तो उनको जो है उनका जो 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर है वो उनको 2 से 3 दिन में जो है कुछ डिटेल और उनसे लेने के बाद जो है उनको वो वाउचर उनको भेज दिया जाएगा। तो इस क्विज कॉन्टेस्ट की जो विनर है वो है आर के शबनम फ्रॉम चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और आप एज ए विनर इसमें आपने जीते हैं। बाकी मैं जिन्होंने इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सबने अपना टाइम निकाल के जो है इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपने अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को जो है उन्होंने जज किया। तो मैं आपको जो है जिन्होंने इस क्विज कॉन्टेस्ट को जीता है उनका आपको नाम और विद फोटो जो है मैं इसी वीडियो में आपको आगे दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से जो है एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी मंथ में जो है मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, और इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी ये मैं आपको अपनी जो है गिव अवे की जो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर जो है मैं सारे टर्म एंड कंडीशंस वगैरह सब आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो मेरा अब रहेगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ जो है मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, तो अपने सब्सक्राइबर्स को मैं खुश करने के लिए जो है उनके साथ जो है अपनी जुगलबंदी को बनाए रखने के लिए मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आपको जो है जब वो उसका वो मैं रखूंगा तो तब मैं उसके टर्म एंड कंडीशंस को भी आपके सामने लाऊंगा। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सबका इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं फिर एक बार दोबारा मिसिस आर के शबनम जी को जो है बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो है इस कॉन्टेस्ट में बहुत बखूबी खूबसूरती के साथ जो है इसमें जो है 20/20 स्कोर जो है गेन किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ मुझे आपसे इस वीडियो में जो सिर्फ मुझे विनर का नाम जो है अनाउंस करना था। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।